अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकू शबाना। आपने अगर अभी तक कुकू शबाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में और चलिए बना लेते हैं साबुदाना वड़ा की रेसिपी। तो बस मैं आ गई थी किचन में और मैंने ये साबुदाना को अच्छे से भीन कर और अच्छे से धोकर दो तीन पानी से साबुदाना को भिगा दिया है। इसको अच्छे से भीनना है, साफ़ करना है और यहाँ पर मैंने रख दी है आलू बॉईल होने के लिए। तो साबुदाना हमने भिगाया है 4 घंटे के लिए और अब हो चुके हैं 4 घंटे पूरे और साबुदाना अच्छे से फूल चुका है, एक एक दाना अलग हो चुका है इसका। तो बस अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बड़ी भगोनी में निकाल लिया है इसको क्योंकि हमें सारे मसाले इसमें ऐड करना है। तो ये आलू को भी मैंने मैच कर लिया है, अच्छे से किस लिया था किसनी से, आप चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं। तो ये आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और इसके डालने के लिए मैंने लिए मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा और यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है और ये लिए है मैंने 3 से 4 हरी मिर्च, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं तीखा खाते हैं तो मिर्च को कम कर लें, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो बस ये मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं और अभी मुझे इसमें ड्राई मसाले यूज़ करना है। तो साबुदाना बहुत ही स्टिकी होता है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। अगर आप व्रत में भी खाते हैं तो सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट नमक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है काला नमक, इनको अच्छे से मैच कर दिया है। और इसमें अब मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, तो मैंने 1 चम्मच चाट मसाला यूज़ किया है इसमें। और यहाँ पर मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए, अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च ना डालें क्योंकि हरी मिर्च यूज़ कर रखी है हमने। तो बस ये मैंने हाफ हाफ करके थोड़ी थोड़ी मिर्च डाली है इसमें टेस्ट के हिसाब से, और आप चाहें तो वाइट नमक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर पीनट लिए हैं मैंने, तो ये मूँगफली के दाने हैं जिनको मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पर और इसका थोड़ा छिलका मैंने निकाला है, थोड़ा रहने दिया है, उसको दरदरा पीस लिया है ग्राइंडर में, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है बेसन जो मैंने आपको नहीं दिखाया है, और एक लेंगे हम नींबू का रस। तो बस ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है और इसको मैं करूँगी डीप फ्राई। तो बस साबुदाना बहुत ही स्टिकी होता है और हाथों में चिपकता है, तो बस इसको मैं अब अच्छे से मैच कर लेती हूँ और उसके बाद मैं हाथ में लगा लूँगी आयल ताकि बड़े हमारे आसानी से बन सकें और ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। तो बस साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं यहाँ थोड़े बड़े बना रही हूँ और इसको थोड़ा आपको दबा दबा कर बनाना है ताकि ये तेल में जाकर फूटे नहीं। तो मैंने अच्छे से इनको दबा लिया है और फिर इसको रोल किया है और फिर चपटा किया है, तो साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसको अच्छे से दबा कर बनाना है आपको। और ऑयल को आपको अच्छे से गर्म करना है, तो ये सारे मैं इसी तरह बना लूँगी। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और उसको अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए तभी हमारे क्रिस्पी बड़े बनकर तैयार होंगे। तो बस इसी तरह मैं सारे बड़े बना लूँगी और फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। और अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये ऑयल में जाकर फूट सकते हैं। तो बस ये मैं सारे बड़े बना लूँगी और उसके बाद हम इसको डालेंगे एक एक करके डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे बड़े मेरे तैयार हो चुके हैं, आप छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। और मैंने इसमें बेसन ऐड किया था जिससे बड़े अच्छे से फूलते हैं, और 3 से 4 मैंने आलू बॉयल किए थे। तो बस ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं बड़े। तो बस इसको अच्छे से हमें गरम तेल में डालना है और बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बीच में मैंने गैप रहने दी है, जितना आसानी से हमारी कढ़ाई में आ सकेंगे उतना ही। मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, आप जो भी अवेलेबल हो उसमें फ्राई कर सकते हैं, कढ़ाई हो या जिसमें भी आप करते हो। तो बस ये मैं इसको पलट पलट कर सेक रही हूँ, अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, तो ये गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस ये एक एक करके मैं निकाल लूँगी, और टिश्यू पेपर अभी नहीं था तो मैंने अभी ऐसे ही निकाल लिए हैं क्योंकि रोज़े का टाइम है, तो जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इसको छलनी में निकाल सकते हैं।